जय श्री कृष्णा। आज की यह वीडियो आने वाले सनातन धर्म के त्योहार जन्माष्टमी के विषय में है। मैं सभी सनातनी भाइयों और बहनों को जन्माष्टमी की बधाई देता हूं। दोस्तों, हम सबको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी काफी नजदीक आ रही है और जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रत्येक सनातनी भाई बहन को भगवान कृष्ण जी से बड़ा लगाव है। वह सबके प्रिय है और सबका कल्याण करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इस खास दिन यानी कृष्ण जन्माष्टमी की। दोस्तों, कई हजार सालों पश्चात 7 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन अष्टमी का पावन पर्व पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन राज योग, अमृत सिद्धि योग, साथ ही धन लक्ष्मी योग जैसे कई सारे योग बन रहे हैं और इस समय भगवान कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। यानी आप भगवान से इस दिन जो भी मांग ले वह आपकी हर इच्छा भगवान कृष्ण शीघ्र ही पूरी कर देंगे। वही दोस्तों, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी पर कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल सकते हैं और आपको मालामाल बना सकते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा कृष्ण लिखना ना भूले। दोस्तों, आज की इस बेहद ही सुंदर वीडियो में आपसे बात करेंगे, कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2023 में कब मनाई जाएगी, किस दिन आप जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी के व्रत का पारण किस समय किया जाएगा और जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। इस दिन में कौन से उपाय है जिसको करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भादु मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की आरती रात यानी 12 बजे की जाती है और घंटे घड़ियाल बजाकर उनके जन्म की बांटी जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी का मथुरा और वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जन्म का उत्सव का आयोजन भी करते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी भी सजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था और इस दिन पर धारण कर श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यधिक फलदायी होता है। दोस्तों, शास्त्र में जन्माष्टमी के वक्त को वक्त का राजा भी गया है। भविष्य में इसके संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वह अकाल, मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह से पीड़ित नहीं होता है और जो भी इस व्रत को एक बार कर लेता है वह दुनिया के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। दोस्तों, इस दिन लोग पूरा दिन भर उपवास रखते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तब इसका पूरा फल होता है। और जो लोग इस व्रत को रखे उन्हें सुन ले कि रात में हल्का व सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत के दिन कुछ लोग निर्जला रहते हैं तो वही कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए और अपने हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प कर अक्षत ले लें और जन्माष्टमी का संकल्प करें। इसके पश्चात भगवान कृष्ण जी की पूजा करें। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा निश्चित काल यानी आधी रात में करने की परंपरा रही है और किसी किसी घरों में रात 12 बजे भगवान कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है। तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं वे नाल छेदन भी करते हैं, तो उनके लिए बता देते हैं कि 12 बजने से कुछ घंटे पहले ही एक पत्ते वाला खीरा ले और कुछ थोड़ा सा काट कर उसमें लड्डू गोपाल को बिठा दे। जब 12 बजे तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकालकर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दे। इसे नाल छेदन कहा जाता है। इसके पश्चात उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराए, फिर उन्हें पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराए। तत्पश्चात गंगा जल से स्नान कराए। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात उन्हें साफ कपड़े से पहुंचकर उन्हें नए सुंदर चमकीले वस्त्र धारण कराए और उनका श्रृंगार करें। इसके पश्चात उन्हें झूले या सिंहासन में करें। ध्यान इस दौरान आप कृष्ण नाम का जाप करते रहे या राधे राधे बोलते रहे या श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहे। दोस्तों, अब आप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करें।
उन्हें चंदन का तिलक लगाए फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाए भोग में आप माखन मिश्री पंचामृत नारियल से बनी मिठाई या धनिये की पंजीरी का भोग लगाए ध्यान रहे, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इसके पश्चात धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और लड्डू गोपाल को इस दिन झूला जरूर झुलाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन शो आदि भी करते हैं, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्र में जन्माष्टमी के वक्त को वक्त का राजा भी गया है। भविष्य में इसके संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वह अकाल मृत्यु गर्भपात दुर्भाग्य तथा कलह से पीड़ित नहीं होता है और जो भी इस व्रत को एक बार कर लेता है वह दुनिया के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। दोस्तों, इस दिन लोग पूरा दिन भर उपवास रखते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तब इसका पूरा फल होता है। और जो लोग इस व्रत को रखें उन्हें सुन ले कि रात में हल्का व सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत के दिन कुछ लोग निर्जला रहते हैं तो वही कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए और अपने हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प कर अक्षत ले लें और जन्माष्टमी का संकल्प करें। इसके पश्चात भगवान कृष्ण जी की पूजा करें। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा निश्चित काल यानी आधी रात में करने की परंपरा रही है और किसी किसी घरों में रात 12 बजे भगवान कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है। तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं वे नाल छेदन भी करते हैं, तो उनके लिए बता देते हैं कि 12 बजने से कुछ घंटे पहले ही एक पत्ते वाला खीरा ले और कुछ थोड़ा सा काट कर उसमें लड्डू गोपाल को बिठा दे। जब 12 बजे तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकालकर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दे, इसे नाल छेदन कहा जाता है। इसके पश्चात उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराए, फिर उन्हें पंचामृत दूध दही घी शहद और शक्कर से स्नान कराए, तत्पश्चात गंगा जल से स्नान कराए। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात उन्हें साफ कपड़े से पहुंचकर उन्हें नए सुंदर चमकीले वस्त्र धारण कराए और उनका श्रृंगार करें। इसके पश्चात उन्हें झूले या सिंहासन में करें। ध्यान इस दौरान आप कृष्ण नाम का जाप करते रहे या राधे राधे बोलते रहे या श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहे। दोस्तों, अब आप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करें। उन्हें चंदन का तिलक लगाए फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाए भोग में आप माखन मिश्री पंचामृत नारियल से बनी मिठाई या धनिये की पंजीरी का भोग लगाए ध्यान रहे, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इसके पश्चात धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और लड्डू गोपाल को इस दिन झूला जरूर झुलाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन शो आदि भी करते हैं, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, कुछ लोग रात्रि की पूजा के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ध्यान रहे कि आप प्रसाद खाकर ही अपने व्रत का पारण करते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि वर्ष 2023 में का पर्व को कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 6 सितंबर को पड़ रही है। ये कृष्ण का 5250वां जन्मदिन होगा। ऐसे में ये 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से शुरू होगा और 7 सितंबर को शाम 4:14 तक रहेगा। दोस्तों, इस दिन सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में ग्रस्त सितंबर और वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को इस त्योहार को मनाएंगे। दोस्तों, पूजा के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 40 का है जो कि 12:02 से 12:48 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में की पूजा करने से 3 जन्मों के से मुक्ति मिलती है। यदि किसी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान कराती है। दोस्तों, इस दिन का व्रत संतान का सुख देने वाला होता है। ऐसे में इस बार का व्रत करना ना भूलें। साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं, इस बार उनके लिए सबसे अच्छा मौका भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए। ऐसे में फिर आप भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं जन्माष्टमी के व्रत कथा, जिसको पढ़ने या सुनने मात्र से ही सभी लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, स्कंद पुराण के मुताबिक यदुवंश के राजा उग्रसेन का राज चलता था।
उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राजा बनकर राज लगा। पर दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सूरसेन के पुत्र के रूप में वासुदेव का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर वासुदेव का विवाह देवकी से संपन्न हुआ। और देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का आठवां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचनों ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्य थे, उन्होंने कंस को वचन कि वह अपना आठवां पुत्र उसे सौंप देंगे। दोस्तों, वसुदेव जी की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय ले लिया और उनके पास पहरेदार लगा दिए। इसके पश्चात कंस ने देवकी के सारे संतानों को मारने का प्रण कर लिया। इस निश्चय के अनुसार देवकी के सातों संतान कंस द्वारा मारे गए। इसके पश्चात देवकी के आठवें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बालक जन्म लेते ही की कोठरी प्रकाशमय हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहां छोड़ आओ, वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहां ले आओ। ऐसे सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियां खुल गई और वो तुरंत एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर इसे माथे पर लादे गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बाल कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गए, फिर चरण स्पर्श करते हुए पूर्ण शांत पड़ गई। फिर इसके पश्चात वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोधा मैया के बगल में सुलाकर वहां से कन्या लेकर वापस कारागार लौट आए। तत्पश्चात जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, उनके हाथों में फिर से हथकड़ी लग गई। इसके पश्चात सारे पहरेदार भी उठ गए और कन्या के रोने की आवाज आने लगी। सूचना मिलते ही इन्हें कारागार से कन्या को लाया और उसे मारने की प्रयास की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। यह बात सुन कृष्ण का पता लगाकर उसे मारने का खूब प्रयास किया। आज्ञा देते हुए राक्षस भी भेजे, लेकिन कृष्ण को कोई नहीं मार सका। अंत में ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनराजा बना दिया गया। और इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी होती है। तो ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है, साथ भगवान का आशीर्वाद भी सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन वह कौन से उपाय है जिसको करने मात्र से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी सारे अटके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपके कार्य अटके हुए हैं तो आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान ध्यान आदि करने के पश्चात घर के बाल गोपाल को नई पोशाक पहनाएं, भोग लगाए और गोपी चंदन से श्रृंगार करें। पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर वह जयंती फूलों की माला अर्पित करें। यदि वह जयंती फूल माला ना मिले तो रंग के फूल माला भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और आपके में प्रगति आएगी। इस उपाय से भाग्य होगा आपका मजबूत। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को केसर, मेवा, मिश्री, साबूदाने की खीर या तुलसी दल डालकर भोग लगाए, लेकिन ध्यान रहे खीर में चीनी की जगह मिश्री की डली डालें। साथ सफेद मिठाई भी अर्पित करें। ऐसा करने से कान्हा की कृपा मिलती है और आपका भाग्य भी मजबूत होता है। इस उपाय से धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सुख समृद्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल की पूजा करते समय एक पान का पत्ता भी अर्पित करें, फिर पत्ते पर दूर से श्री हरि लिखे, फिर रोज उसको पूजा करने के पश्चात जहां पैसा रखते हैं वहां रख दे। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है और धन संबंधी समस्या नहीं होती। इस उपाय से मिलेंगे आपको शुभ समाचार। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन गाय और उसके बछड़े की सेवा करें, आशीर्वाद लें। इसके साथ ही गाय और उसके बछड़े की मूर्ति भी लेकर आए और बाल गोपाल के पास मूर्ति को रखकर उसकी पूजा करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा जल्द शुभ समाचार सुनने को मिलती है। इसके पश्चात गाय और बछड़े की मूर्ति को ईशान कोण में रखना स्थान माना गया है। इस उपाय से आर्थिक तंगी होगी आपकी दूर। दोस्तों, कर्ज की समस्या से यदि आप परेशान हैं तो जन्माष्टमी के दिन दक्षिणवर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। दक्षिणवर्ती शंख को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी पूजा में शंख के बिना पूजा ना होती है। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस उपाय से होगी व्यवसाय में उन्नति। दोस्तों,
जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम 11 बार तुलसी की क्रमांक करें और घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात 1-8 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, साथ ही कपूर जलाकर उस पर थोड़ी सी मिश्री डाल दें और कपूर और मिश्री का हम भी करें। ऐसा करने से नौकरी व्यवसाय में उन्नति होती है। तो दोस्तों, वीडियो से विदा लेने से पहले और आपके पूरे परिवार को इस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि इस जन्माष्टमी पर बाल गोपाल आपके घर ढेर सारी खुशियां लाएं।